देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में एक के बाद एक स्टार्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई शहर में कोरोना संक्रमण में आई तेजी ने फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, सतीश कौशिक और आशीष विद्यार्थी समेत कई सितारे कोरोना की चपेट में हैं और अब इस फहरिस्त में एक्टर आमिर खान का नाम भी शामिल हो चुका है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आमिर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर उनके प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने बताया है कि आमिर खान ने कोविड-19 टेस्ट करवाया था और वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह घर पर क्वारंटीन है, सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और वह ठीक महसूस कर रहे हैं। उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। उनके प्रवक्ता ने ये भी कहा कि हाल ही के दिनों में उनके संपर्क में आए सभी लोगों को एहतियात के तौर पर खुद का भी टेस्ट करा लेना चाहिए। आमिर खान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार के लोगों का भी टेस्ट होगा। एक्टर इन दिनों फिल्म लाल सिंह चाचा के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी चल रहे थे। ऐसे में फिल्म से जुड़े जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा। अब वह पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही लाल सिंह चड्ढा के लिए शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। मालूम हो कि पिछले साल आमिर खान के साथ काम करने वाले 7 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से उनके कुछ सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और घर में काम करने वाले नौकर भी शामिल थे। उसके बाद उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट हुआ था, लेकिन परिवार के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। आपको बता दें कि साल 2017 में आमिर खान और उनकी वाइफ किरण को स्वाइन फ्लू हो गया था और दोनों उस दौरान करीब 15 दिनों तक क्वारंटीन थे। 14 मार्च को आमिर खान ने अपना 56वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद अगले ही दिन सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया ताकि उन्हें लाल सिंह चड्ढा के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। पिछले दिनों उन्हें फिल्म कोई जाने ना के गाने पर हरफन मौला में देखा गया। इस गाने में वो अली अब्राम के साथ डांस करते दिखाई दिए थे। वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। इस फिल्म में आमिर के अपोजिट करीना कपूर खान है। ये फिल्म 25 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म फॉरेस्ट गम के आधारित हिंदी रिमेक है। ये फिल्म पिछले साल क्रिसमस पर ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से डेट आगे बढ़ा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।